अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि ये लेजिस्लेचर का मामला पूरी तरह से है, जबकि राज्य का दर्जा सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पहले पारित किया गया है। तो उमर अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 370 की बहाली वो लेजिस्लेचर का मामला है, यानी कि विधायिका का मामला है, और स्टेटहुड सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसीलिए सबसे पहले स्टेटहुड बहाल करने को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट की पहली मीटिंग में पारित किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में यह स्पष्ट किया था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा सबसे पहले दिया जाएगा। कैबिनेट की जो सबसे पहली मीटिंग होगी उसमें इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और वैसा ही हुआ भी। लेकिन कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला की सरकार घिरती हुई नजर आई। बीते कल कई विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर सवाल भी उठाए, और इसी पर स्पष्टीकरण देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह ट्वीट कर जानकारी दी है और स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 370 इज अ प्रीव्यू ऑफ लेजिस्लेचर वाइल स्टेटहुड इज द परव्यू ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्टेटहुड सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए सरकार ने इसकी पहल पहले की है। अनुच्छेद 370 क्योंकि लेजिस्लेचर का मामला है, इसमें कानूनों में कई अनुमोदन करने की जरूरत है जिसके लिए संसद तक जाना होता है, ये कहीं ना कहीं विधायिका का मामला है, इसको लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यही कारण है कि स्टेटहुड का जो प्रस्ताव है उसे पहले कैबिनेट में पारित किया गया।